नमस्कार, मैं श्री गुटानी इसमें मौजूद है पलवल के रेस्ट हाउस में। 21 दिसंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करने जा रही है। आइए बात करते हैं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल से, जो इस जिले के प्रभारी बनाए गए, कन्वीनर बनाए गए हैं। दलाल साहब, राहुल गांधी 21 तारीख को प्रवेश करें हरियाणा में, उससे पहले उसकी क्या तैयारी है? जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की आज पूरे देश के अंदर चली हुई है, उसका आगमन जैसा आपने बताया कि फिरोजपुर झिरका के अंदर 21 तारीख को होने जा रहा है, और जिला पलवल की तरफ से उस यात्रा में क्या सहयोग हमें करना है, कैसे 21 तारीख को बहुत बड़े जन समर्थन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हमें राहुल जी को वहाँ रिसीव करना है, तो उसके एवज में जिला पलवल की तैयारी के लिए चौधरी उदय महान और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो सांसद हैं, वो 10 तारीख को 10:30 बजे गुजर भवन में एक बैठक को संबोधित करेंगे, और हम सभी जिला पलवल की तरफ से इस तैयारी में अब लगे हुए हैं कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किस तरीके से हो सकता है। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है जो कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, कहीं पर बात है। राहुल गांधी की यात्रा तो शुरू हुई है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको गुजरात, हिमाचल में देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, MCD पे चुनावों में नहीं देखने को मिल रहा है। कर्नाटक से पश्चिम बंगाल और इस तरफ गए हैं राहुल गांधी। अगर वो यात्रा गुजरात या हिमाचल में होती और दिल्ली में होती तो उसका बेनिफिट होता। अब ये फैसला तो भुटानी साहब क्योंकि जो पार्टी के हाईकमांड है उन्होंने किया है, लेकिन ये यात्रा का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इस यात्रा की वजह से गुजरात में, हिमाचल में और प्रदेशों में काफ़ी लाभ भी मिलने की संभावना है, लेकिन ये यात्रा जो भाजपा ने इस देश को टुकड़ों में बांटने का जो षड्यंत्र किया हुआ है, जो जाति और धर्म की आड़ में इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, नौजवानों को मायूस कर रहे हैं, देश के अंदर जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, जो गरीबी देश के अंदर बढ़ रही है, रईस और जो बड़े लोग हैं वो खजाने को भाजपा नेताओं की आड़ में लूट रहे हैं, तो ये देश के नाम पर ये यात्रा राहुल जी कर रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि जब से ये यात्रा राहुल जी ने शुरू की है, देश में हमारे विरोधी भी अब राहुल जी का लोहा मानने लगे हैं, और इस यात्रा से देश के लोगों को आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को और देश को बड़ा भारी फायदा इस यात्रा का मिलेगा। राजस्थान में प्रवेश किया तो उससे पहले राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव था, उसको सुलझाया गया कुछ समय के लिए। हरियाणा में प्रवेश करने से पहले आपका हुड्डा शैलजा और किरण चौधरी के बीच में तकरार देखने को मिल रही है। नहीं, हरियाणा में भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में जितने भी अलग अलग गुट हैं उनके सब के जो मतभेद हैं उनको भुला करके अब सब एक काम करने का मन बना चुके हैं, और आने वाले दिनों में कांग्रेस आपको बटी हुई नहीं बल्कि एकजुट नजर आएगी। प्रमोद कृष्णन तो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस में है उसमें हिंदू के खिलाफ बात की जा रही है, इस वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। नहीं, इसमें सवाल हिंदू या उसका नहीं है, हमें गर्व है सबको, हम हिंदू हैं, लेकिन जो दूसरे धर्म हैं हमें उनका भी आदर करना चाहिए। जो इस देश में 36 बिरादरी या जो कई धर्म हैं आज उनको भी विश्वास में लेकर के देश को चलाने की जरूरत है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, जिस तरह से आप पार्टियों का नाम लेकर के कह रहे हैं गुटबाजी से पार्टी नहीं चलती, उसी तरीके से देश में भी अगर सभी समुदाय साथ नहीं चलेंगे और आपस में ये नफरत इसी तरीके से अगर फैलती रहेगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। पंचायत समिति के चुनाव हो चुके हैं, सरपंच के भी चुनाव हो गए हैं, तो ट्रेनिंग कैंप लगाने के लिए CM ने मनोहर लाल कह रहे हैं कि 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे कि ये ट्रेनिंग कैंप जो है सक्सेस रहेंगे? देखिए, ज़्यादातर जो पार्षद हैं और सरपंच हैं वो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन लोगों को धूल चटाने का काम किया, और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि इलाके के सरपंचों में भले लोग काफ़ी अब की दफ़ा चुनाव जीत करके आए हैं, तो हमारे चाहे सरपंच हैं या पार्षद हैं, हमने उन सबको ये कहा है कि भाई आप लोग अपने अपने इलाकों की तरक्की के लिए किसी गुटबाजी या पार्टी में ना पड़े, और सरकार अगर आपको कोई सहयोग देती है तो सरकार सबके लिए होती है, आप जाइए उनसे मदद लीजिए। 2 साल के बाद ये सरकार
जब हमारी इस हरियाणा में बनेगी तो फिर ना पार्षदों को किसी के आगे जाना पड़ेगा ना सरपंचों को। हम पहले की तरह, चाहे वो किसी भी पार्टी के सरपंच हैं, किसी भी पार्टी के पार्षद हैं, हम उनको गले लगा करके उनके इलाकों का विकास करने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत ही छोटी सोच के लोग भारतीय जनता पार्टी के इस देश के अंदर अपना जो व्यवहार साबित कर रहे हैं। तो हम लोगों को उम्मीद नहीं है कि जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं, चाहे वो जिला परिषद हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति हैं या सरपंच हैं, भाजपा केवल और केवल उन्हें बांटने का काम करेगी, नफरत फैलाने का काम करेगी, गांवों का विकास करने का काम नहीं करेगी। अच्छा, इस चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है, अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि जैसे उत्तराखंड में सीएम बदले गए हैं, हरियाणा में भी सीएम बदला जा सकता है, भाजपा हाईकमान में भी चर्चा चल रही है। देखिए, ये भाजपा का अपना काम है और हम इस बीच में नहीं आना चाहते। ये भाजपा किसी भी मुख्यमंत्री को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देती है। चाहे आज खट्टर साहब हैं, वो भाजपा की नीतियों को मानने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं, लोगों में नफरत फैलानी है, लोगों में धर्म का प्रचार करना है, राज का काम नहीं करना है, राज धर्म को नहीं निभाना है, कल को कोई और बनेगा उसने भी ऐसा ही करना है, क्योंकि भाजपा की जो खोटी नीयत है वो सबके ऊपर लागू होने का असर रखती है। जैसे अब चुनाव आएंगे, 2024 का चुनाव आएगा, अटकलों का दौर आपका भी चल रहा है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जहाँ तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस का जो टिकट का बंटवारा है, समीकरण जाति आधार पर भी कहीं ना कहीं करती है। मान लो 10 सीटें आपके हरियाणा में, 2 रिजर्व होगी, 8 बच गई, बाकी 4 जाट कैंडिडेट होते हैं, 5वां जाट कैंडिडेट क्यों देगी टिकट, आप क्यों देगी कांग्रेस को? नहीं, जातियों के आधार पर हमारी पार्टी में टिकट नहीं मिलता है। जो टिकट है वो पार्टी के भरोसे के मुताबिक और पार्टी जो चुनाव जीतने की क्षमता रखता है उनको ये टिकट देने का फैसला पार्टी कर चुकी है। तो उसमें जिस किसी को भी टिकट मिलेगा तो कांग्रेस के लोग सब मिलकर तो उनका साथ देंगे। 2024 भी आने वाला है, आप फैजाबाद में सक्रिय हो गए हो, तो 2000 आते आते आप अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर पाएंगे? हाँ, 2024 तक मैं अपनी नहीं बल्कि मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, और अगर पार्टी मुझे ये मौका देती है तो मैं लड़ूंगा, किसी और भाई को मौका देती है तो उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा। गतपुरी टोल बैरियर के ऊपर आपका काफी मामला छाया रहा था, जब टोल शुरू होने से पहले आपने आंदोलन भी किया था, 1 महीने तक आंदोलन भी चला था, पिता कंप्लेनेंट है, बेटा सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट है? उसमें हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला इलाके के लोगों के हक में दिया है और मैं अभी 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद प्रेस के माध्यम से उस हाई कोर्ट के आदेश को आप लोगों को दिखाऊंगा। और पहली दफ़ा ये जो लूट भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से टोल लगा करके लोगों को लूट रही है, तो उसके खिलाफ जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालय में हमारे इलाके के लोगों को न्याय मिलेगा, और जो कमीशन मुकर्रर हुआ है उसकी क्या शर्तें हैं वो मैं 2 दिन के बाद आपको बताऊंगा और लोगों को बिल्कुल पता चलेगा। एक आखिरी सवाल है, पलवल विधानसभा क्षेत्र से आपने काफ़ी लंबा प्रतिनिधित्व किया है, 5 बार आप विधायक भी रहे हैं, पलवल को किस हालात किस सूरत में पाते हैं? पलवल की जो एक हैसियत हमारे समय में बनी, पलवल का जो नाम रोशन हुआ, पलवल का एक राजनीतिक जो कद देश और हरियाणा के अंदर जो हमने और इलाके के लोगों ने बनाया, आज भाजपा के शासन में पलवल की हैसियत को भाजपा ने बिल्कुल निरस्त कर दिया है, जीरो कर दिया है। आज पलवल हरियाणा की राजनीति में फिर से गुमनाम हो चुका है। आज पलवल के विधायक या पलवल में भारतीय जनता पार्टी का लोगों की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। लोग बिजली के ट्रांसफार्मर्स के लिए, सफाई के लिए, पुलिस से बचने के लिए, तहसीलों में मच रही लूट के खिलाफ लोगों की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो आज पलवल की हालत को भाजपा ने बिल्कुल बहुत बदतर कर दिया है, और ये 2 साल की बात और है, 2 साल के बाद ये पलवल फिर से हरियाणा की राजनीति का एक गढ़ बनेगा, और जो हमारा अस्तित्व इस पिछले 5 साल में ख़राब हुआ है उस अस्तित्व को फिर से कायम करेंगे।
बच्चों को सरकारी रोजगार देंगे, इलाके की तरक्की करेंगे और बिजली पानी जो स्कूल कॉलेज में लेक्चरर टीचर्स का होना, गरीब जो दलित समाज है पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उनके हक के मुताबिक नौकरियां देना, उनकी दूसरी ज़रूरतों को पूरा करना, महिलाओं का ख्याल करना, उन सारी बातों का दो साल के बाद आप जो देखेंगे नज़ारा तो आपको कोई शिकायत मैं नहीं समझता उस वक्त पूरे। तो ये थे हमारे बीच पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जिन्होंने वैभव क्रांति के सवालों का जवाब दिया है। रेस्ट हाउस पलवल से सतीश बुटानी मेरा आपसे अनुरोध है, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपकी उंगलियों का चलना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।